देश भर में गुरुवार को हर्षोल्लास और उत्साह से दिवाली मनाई गई। लोगों ने दिए, मोमबत्ती और बिजली के बल्ब के झालरों से अपने घरों को सजाया और एक दूसरे को मिठाई भेंट की। इस दौरान लोगों में त्यौहार को लेकर उत्साह देखा गया। लोगों ने देर रात तक जमकर पटाखे छोड़े। देश भर के साथ बेटमा में भी गुरुवार को धूमधाम से दिवाली मनाई गई। इस दौरान लोगों में त्यौहार को लेकर उत्साह देखा गया। लोगों ने देर रात तक जमकर पटाखे छोड़े। वहीं लोग दिन में बाजारों में अपनी जरूरत के मुताबिक खरीदारी करते देखे गए। पिछले साल कोविड-19 महामारी की वजह से दिवाली का उत्साह कुछ फीका रहा था, लेकिन इस वर्ष बाजारों में अच्छी रौनक देखी गई। हालांकि धनतेरस की तुलना में दिवाली पर बाजार में यह भीड़ कम रही, लेकिन उत्साह बना रहा। लोगों ने अपने घरों को आकर्षक दीयों, विद्युत बल्बों व झालरों से सजाया। इससे पूर्व बालिकाओं व महिलाओं ने अपने घर आंगन में सुंदर व आकर्षक रंगोली बनाई। वहीं दिवाली के दूसरे दिन महिलाओं ने गोवर्धन पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों को गोवर्धन पूजा के लिए प्रेरित किया था। इस पर्व पर गौ माता की पूजा का भी विशेष महत्व है। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आज दीपावली की सभी समस्त ग्रामवासी बेटमा के जो बेटमा के में जो खरीदारी करने व्यापारी वर्ग भी हर्षोल्लास के साथ में बहुत ही अच्छे से मना रहे हैं और काफ़ी चहल पहल है। व्यापार भी अच्छी स्थिति में बना हुआ है। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि जो ये कोरोना काल है इसे ऊपर वाला श्री तेजाजी महाराज है जो वो अपने इससे बाहर करे बीमारी से। और जय हिंद जय भारत। पिछले वर्ष की तुलना और इस वर्ष में क्या अंतर दिख रहा मार्केट में, बाजार में? पिछले वर्ष की तुलना में और आज की तुलना में इस साल बहुत अच्छा मार्केट है। अच्छा मार्केट जी है सर। अच्छा अच्छा क्या दुकान पे जो ग्राहकी रही वो कैसी रही? सुबह रही अच्छी या शाम को भी? शाम को साहब 3 बजे बाद से बहुत अच्छी रहा सर। अच्छी रही जी। धनतेरस के दिन भी बहुत अच्छी रही। ठीक ठीक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।